वेलकम टू एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेवन्थ में लास्ट टाइम मैंने जियोग्राफी में एनवायरनमेंट का चैप्टर 10 पढ़ाया था। यहाँ तक तो सबने पढ़ लिया था, लेकिन अगेन वापस मैं आपको बता रहा हूँ। जियोग्राफी डील्स विद द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो स्टडीड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन द जियोग्राफिकल एलिमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, नेचुरल एलिमेंट्स और ह्यूमन मेड। नेचुरल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनाया गया, इस जिसमें किसी भी ह्यूमन बींग्स का हाथ नहीं रहता है। ह्यूमन मेड एलिमेंट्स मतलब जो रेडीमेड ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, उसको ह्यूमन मेड एलिमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट, द नेचुरल एलिमेंट्स इंक्लूड द बायोटिक एंड ए बायोटिक कॉम्पोनेंट। इसको समझने की ज़रूरत है, बायोटिक और ए बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है। बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वाइल ए बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंट, नेमली एयर, वाटर एंड लैंड। मतलब बायोटिक वो चीज़ होती है जो सांस लेते हैं, मतलब जीवित होते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन बींग्स। जबकि ए बायोटिक जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम एहसास किया कर सकते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, ये जो डिफरेंस बायोटिक और ए बायोटिक में रहते हैं। अब जो दो जो मेन सोर्स है, वो पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल मतलब नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो एनवायरनमेंट होता है। इसमें अब अर्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अर्थ के मेन चार लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसमें लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? जो सबसे ऊपरी परत होती है, जैसे कि ये आप अर्थ का देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं। इस अर्थ में जो ये सबसे ऊपरी जो परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और ये क्या होती है? बिल्कुल सॉलिड होती है। सॉलिड मीन्स इसको इजीली आप लिक्विड फॉर्म में आप इसको नहीं समझ सकते हैं। दी सॉलिड क्रस्ट ऑफ द रॉक फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। मतलब जो ऊपर की जो परत होती है, जो पर्वत रॉक के आकार का होता है, उसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। दी वर्ड लिथोस मीन्स रॉक और स्टोन, मतलब एक पहाड़ी पत्थर या उसको हार्ड, कोई भी हार्ड सरफेस को इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। स्फीयर मीन्स द डोमिनेंट टर्म। लिथोस्फीयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एट द रॉकोस्फीयर। और इसको लिथोस्फीयर को रॉकोस्फीयर भी बोला जाता है। लिथोस्फीयर हैज द एवरेज ऑफ थिकनेस ऑफ द 100 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, और ये कितना होता है? इसका 100 किलोमीटर तक ये चौड़ी होती है। मोटाई जो होती है इसकी, थिकनेस, वो 100 किलोमीटर तक होती है। द एवरेज थिकनेस इज द मोर इन द कंटिनमेंट एज कंपेयर्ड टू द ओशियंस। और इसकी जो एवरेज थिकनेस, वो जो ज़्यादा होती है किससे? समुद्री सतह से। बाहरी लिथोस्फीयर की सतह ज़्यादा होती है, मतलब समुद्री सतह थोड़ी कम होती है। वी लाइव इन द हार्ड। हम लोग कहाँ रहते हैं? हार्ड में, मतलब रॉकोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में। ऑल विजिबल लैंडफॉर्म विच इंक्लूड, और कौन कौन से, जैसे लिथोस्फीयर, हार्ड, कौन कौन सी चीज़ें जो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में ये इसमें देख सकते हैं, जैसे ए बायोटिक में जैसे माउंटेन है, प्लेच्यूज है, प्लांट्स एट्सेट्रा आर प्लांट ऑफ द लिथोस्फीयर। ये एग्जाम्पल है। लिथोस्फीयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन बींग्स। पीपल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्फीयर। और लिथोस्फीयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन भी आने वाला है। लिथोस्फीयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। लिथोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर पीपल अपना घर भी बनाते हैं और साथ में फूड सप्लाई का भी काम करते हैं। पीपल नॉट ओनली बिल्ड, सिर्फ घर ही नहीं बनाते, जबकि वहाँ पर फूड सप्लाई ऑल्सो कम फ्रॉम द स्फीयर ओनली। इसको लिथोस्फीयर बोला गया है। आज मैं आपको लिथोस्फीयर तक ही बताऊंगा, ये चार जो आपको बताया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये आज फर्स्ट
टाइप है नेचुरल एनवायरनमेंट का, और इसमें अगर वीडियो में अगर क्लियर नहीं दिखे तो मैं आपको एक इमेज भी साथ में भेजूंगा, आप वो इमेज से ये रीडिंग करके मेरी वॉइस आप सुन के समझ सकते हैं। अब होमवर्क के लिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करना है ओनली होमवर्क में, जहाँ मेरे ये राउंड किया हुआ है। Why is the lithosphere is very important for the progress of human beings? Human beings में lithosphere की क्या उपयोगिता है? इसका आंसर कहाँ है? पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पर गो ऑन, यही जो अभी मैंने बताया। इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, लिथोस्फेयर हमारे लिए किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है? तो हमको यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, और लिथोस्फेयर के बारे में भी थोड़ी जानकारी देनी है। याद फर्स्ट ये लाइन लिखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ, सबको फर्स्ट ये लिखना है, उसके बाद ये ऊपर की चार लाइनें लिखनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।